हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह अगर यूट्यूब पर एक क्रिएटर हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने वीडियो चाहे कितने भी अच्छे क्यों नहीं बना लें, अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं रहा तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। लोग आपके वीडियो को क्यों क्लिक करेंगे जब आपका थंबनेल ही नहीं सही रहेगा। मान लीजिए आप ही किसी के चैनल पर गए तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका थंबनेल देखते हैं कि थंबनेल अच्छा है या नहीं। अच्छा देखते तो उस वीडियो पर आप क्लिक करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फ़ोन से क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाएं। अगर आपको नहीं पता कि क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाएं तो इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे प्रेस। यहाँ पे इसी तरह क्रिएटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, आ गए फ़ोन के स्क्रीन पे। जो थंबनेल बनाने के लिए हम टूल्स यूज करने वाले हैं वो है पिक्सेल लैब। तो आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। तो आपको डिलीट वाला ऑप्शन पर जाकर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपका इसका थंबनेल साइज मिलाना होगा। थंबनेल साइज मिलाने के लिए आपको 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज पे जाने के बाद आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आपको यूट्यूब थंबनेल पे जाना है। उसके बाद आपको ओके कर देना। तो देख सकते हैं ये आपका यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ चुका है। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है जो कि डार्क ब्लैक रहना चाहिए। उसके बाद आपको फोर्थ वाला ऑप्शन पे जाना है। फोर्थ वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पे जाना है। कलर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको डार्क ब्लैक चूज कर लेना है। तो देख सकते हैं हम डार्क ब्लैक चूज कर लें। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करना है जो कि PNG में होना चाहिए। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आपको जाना है प्लस वाला आइकन पे। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद जहाँ भी आपका गैलरी में फ़ोटो वो PNG वाला आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं ये फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद थोड़ा इसको क्रॉप कर लेना है कुछ साइड से। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको साइड में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं जैसे कि मेक प्रोफेशनल थंबनेल। तो यहाँ पे आपको मेक प्रोफेशनल थंबनेल लिखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं। तो देख सकते हैं मेक प्रोफेशनल थंबनेल ऐड कर लिए। ऐड से पहले आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। चलिए हम ये वाला रख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेक का फॉन्ट चेंज हो गया। आपको इसी तरह प्रोफेशनल और थंबनेल का भी फॉन्ट चेंज करना है। तो देख सकते हैं ये तीनों का फॉन्ट भी चेंज कर लिए। और फॉन्ट चेंज करने से थोड़ा यूनिक बाद यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट यूज करने वाले हैं क्योंकि हम हर थंबनेल में यूज़ करते हैं। तो यूज करने के लिए आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है। प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इसके हिसाब से आपको इसके शेप में कर देना होगा। करने के बाद आपको इसका कलर ब्लैक रखना है आपको। उसके बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको टू बैक वाला ऑप्शन पे जाना है। बैक वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसके हिसाब से आपको कर देना है। उसके बाद आपको इसी तरह आपको प्रोफेशनल और थंबनेल वाला भी थंबनेल में आपको एलिमेंट यूज़ करना है। तो आपको इस पर टैप करना है। आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके साइज़ के हिसाब से आपको इसमें भी ऐसे ही कर देना है। उसके बाद आपको फिर से कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसका कलर आपको रेड रखना है थोड़ा यूनिक बनाने के लिए। आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसके साइज भी आपको कर देना है। उसके बाद आपको गो बैक कर देना है। तो देख सकते हो थोड़ा यूनिक लग रहा है देखने में। उसके बाद आपको फॉन्ट का भी कलर चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पे जाना है। कलर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है सबसे पहले आपको यहाँ पे हाईलाइटेड कलर देना होगा तो थोड़ा देखने में यूनिक लगे। देखते हैं यहाँ पे पीला दे दिए। उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पे हम एक YouTube का एक PNG यूज करने वाले हैं जो कि अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे
यूट्यूब का PNG हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इसके साइज में ला के यहाँ पे रख देना है, कुछ इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इमेज यूज़ करने वाले हैं जो कि खुद थंबनेल होगा, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है, उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद आपके पास जहाँ भी पुराना थंबनेल होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐड करने के बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको सेंटर पर रखना है, ऊपर की तरफ आपको इस तरह रखना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको फिर से एक थंबनेल लेना है, पुराना थंबनेल लेना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे जाना है, उसके बाद फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाना है। उसके बाद आपको फिर, तो देख सकते हैं फिर से हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आपको इसको भी थोड़ा ऊपर की तरह रखना है, कुछ इस तरह से करके। आपको फिर से एक थंबनेल लेना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ से फिर से हम एक थंबनेल लिए। उसके बाद इसको भी उसी साइज में ला के ऊपर की तरफ रख देते हैं। उसके बाद ये सबको आपको लॉक करना होगा, देख सकते हैं ये लॉक इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद हम एक रस्सी यूज करने वाले हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे गैलरी में चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आपको इसके ऊपर रखना है, सबसे ऊपर। उसके बाद आपको इसका स्टॉक आपको ऑन कर देना होगा। स्टॉक ऑन करने के बाद इसका थोड़ा वाइट कर देना होगा आपको। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको टू बैक कर देना होगा। तो आपको इसी तरह ये दोनों पे भी रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर ले। तो देख सकते हैं आपका थंबनेल बन चुका है। आपको इसी तरह अपना प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।